सकता है, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। और इसी के मद्देनजर वहां पर सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां पुख्ता शुरू कर दी गई है, हलचल वहां पर देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले की आपने तस्वीरें भी देखी कि राहुल द्रविड़ ने कोर्ट से बाहर अब अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या कुछ कागजी प्रक्रिया होती है, उसके बाद जब जेल में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर्स हमें जानकारी दे रहे हैं कि शाम तक जो है उन्हें तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। बैरिक नंबर 2, 3 और 5 में लगातार हलचल भी जो है तिहाड़ जेल के अंदर देखी जा रही है। वहां पर तमाम तैयारियां की जा रही है, सैनिटाइज किए जा रहे हैं बैरिक्स और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी जो है वहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बाहर जो है वो लाया गया है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आबकारी घोटाला मामले में पूछताछ में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। राहुल एवेन्यू कोर्ट में ईडी का ये बड़ा दावा है, केजरीवाल ने विजय नायर का नाम आतिशी से जोड़ा है। ईडी ने बताया कि केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर आतिशी को रिपोर्ट करते थे। तो केजरीवाल ने पूछताछ में अब आतिशी का भी नाम लिया है, सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है और ये जिक्र किया गया है कि विजय नायर दरअसल आतिशी को रिपोर्ट करते थे। राहुल एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से ये बड़ा दावा कि केजरीवाल ने विजय नायर का नाम आतिशी के साथ जोड़ा है, कहा है कि विजय आतिशी को ही रिपोर्ट करते थे। क्या यहां से आतिशी और सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें भी बढ़ेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। देखिए विजय नायर की भूमिका भी आपको याद होगी इस पूरे शराब घोटाला मामले में। सबसे पहले वो आरोपी थे जिनको लेकर जो है यही कहा जा रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं। आनंद हमारे सहयोगी जो है वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, अभी तो फिलहाल हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो है कोर्ट से बाहर उन्हें ले जाया गया है, अब इसके बाद कितना और वक्त लग सकता है, क्या कुछ प्रक्रिया रहती है कागजी प्रक्रिया के साथ साथ मेडिकल की जो प्रक्रिया है वो कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए जो जेल वेन है उससे अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जो है वो ले जाया जाएगा। तिहाड़ जेल में 16 जेल है और तमाम 16 जेलों के अंदर हर एक जेल में जो है वो मेडिकल की सुविधा जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है। तो अभी अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे उसके बाद या तो 3 नंबर जेल या 2 नंबर या 5 नंबर में से जिस भी जेल में अरविंद केजरीवाल को शिफ्ट किया जाएगा वहां पर जो मेडिकल टीम है वो अरविंद केजरीवाल का मेडिकल करेगी। उनका जो बीपी है, शुगर है, वो उनका चेक किया जाएगा। इसके अलावा उनकी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो अरविंद केजरीवाल से पूछी जाएगी कि क्या उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है या वो किस तरह की दवाइयां का सेवन करते हैं, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार करके जेल प्रशासन को दी जाएगी। और जब न्यायिक हिरासत खत्म होती है और जब कोई आरोपी वापस जब पेशी के लिए जाता है कोर्ट में तो उस दौरान भी ये तमाम जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं इनको तैयार करके रखा जाता है। तो अभी जो राहुल द्रविड़ कोर्ट है उसमें जो न्यायिक हिरासत के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। उसके बाद जो जेल अभिरक्षा वाहन होता है, जेल वाहन होता है, उसमें जेल के जो अधिकारी होती है जेल अभिरक्षा वाहन के, जेल वैन के, वो जो राहुल द्रविड़ कोर्ट का लॉकअप है वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को उस जेल वैन में बिठाया जाएगा और उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल लाया जाएगा जहां पर कि उनका मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद उन्हें एक अलग सेल में, एक अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा जहां पर कि अरविंद केजरीवाल एक कैदी के तौर पर रहेंगे। ठीक है आनंद, मैं आपका रुख करूंगी। दीपक भी हमारे साथ बने हैं। दीपक, ये बताइए कि इस प्रक्रिया में कितना समय लग जाएगा और राहुल एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ जेल जाने में कितना समय लगेगा, वहां पर किस तरीके के सिक्योरिटी के इंतजाम रास्ते में होंगे, क्या कोई प्रदर्शन की भी उम्मीद आशंका कहीं से जाहिर की जा रही है क्या? देखिए अभी राहुल एवेन्यू कोर्ट में जो अभी आज का जो ऑर्डर आया है उस पूरे मसले पर यहाँ पर केजरीवाल को इसलिए रखा गया है क्योंकि उसमें सिग्नेचर होते हैं और जो दस्तावेज है उनको पूरी तरह से रीड करके उसको पढ़ाकर उसमें सिग्नेचर करके यहाँ से भेजा जाता है। और यहाँ से अगर तिहाड़ जेल की ओर जाना हो तो तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास की दूरी है और जिसे यहाँ पर तय किया जाएगा। और जेल में जब यहाँ से निकलेगी तो पूरी सुरक्षा का दायरा रहेगा क्योंकि जिस जिस थाने से होकर गुजरेगी जो इलाके होते हैं, क्योंकि वेस्ट दिल्ली में तिहाड़ जेल है और वहाँ तक जाने के लिए इलाके की जो थाना पुलिस है वो यहाँ पर सिक्योरिटी देगी, क्योंकि किसी तरह की अभी प्रदर्शन की कोई ऐसी जानकारी जरूर नहीं अभी तक नहीं आई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि सूत्रों का कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट है क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से आज एक बड़ी खबर ये मानी जा रही है और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अब तिहाड़ जेल जाएंगे और इसको लेकर देखिए सुबह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था राहुल द्रविड़ कोर्ट के आसपास थी। किसी भी तरह से कोई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन तो नहीं करेगा, इसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट थी। चाहे वो तिहाड़ जेल का पूरा रूट हो उसको अब यहाँ पर आकलन किया
दिया गया है। अधिकारियों की जो टीम है वो आकलन कर रही है, क्योंकि जब यहाँ से उन्हें ले जाया जाएगा कुछ देर बाद तो वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ चाकचौबंद यहाँ पर रूट को रखेंगे। उसके साथ ही जो आगे पीछे जेल वैन की जो पुलिस की गाड़ियाँ रहेंगी वो रहेंगी। साथ ही अभी भी जेल के अंदर जो तिहाड़ जेल जाएगी उसके अलावा जो राउज एवेन्यू कोर्ट के आज भीतर भी काफ़ी गहमा गहमी थी, पुलिस की सुरक्षा थी, अधिकारी जो यहाँ पर डीसीपी थे रेंज के वो यहाँ पर पहुँचे थे सभी, क्योंकि एक चूक यहाँ पर कोई नहीं लेना चाहता था। और इसी वजह से इस जेल का जो रूट रहेगा उसको पूरा मापा जा रहा है, देखा जाएगा कि और यहाँ से जब जेल वैन निकलेगी तो उनके आगे पीछे स्क्वाड होगा जो जेल तक लेकर जाएगा, और जेल के गेट नंबर 4 या फिर 2 और 3 से कहीं से भी एंट्री की जा सकती है उनकी, क्योंकि एहतियातन सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा कुछ देर बाद यहाँ से उन्हें जेल वैन लेकर जाएगी। बिल्कुल दीपक, इस बात का भी जिक्र करना बेहद ज़रूरी है, आपने देखा होगा जब अरविंद केजरीवाल को बाहर ले जाया जा रहा था या कोर्ट के अंदर वो जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक बात फिर से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। क्या मतलब इसका निकालें? देखिए, उन्होंने जब भी कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल को पेश करने वक्त या फिर बाहर निकलते वक्त जब भी मीडिया उनसे सवाल करती है तो उनका कोई ना कोई इस तरह का मैसेज जरूर आता है पब्लिक के लिए, और यहाँ पर भी उन्होंने इसी तरह का मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की है। और इस बता दूँ, आपको जानकारी दे दूँ कि जब अंदर किताबों की बात आई तो उनके वकीलों की तरफ से एप्लीकेशन मूव की गई है कि उन्हें भगवद्गीता और रामायण और उसके अलावा हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड ये जो बुक है इसको यहाँ पर डिमांड की गई कि उसको उनके साथ जेल पहुँचाया जाए, जेल में वो उनको पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह के मैसेज वो हमेशा से देते हुए आए हैं और यहाँ पर भी उन्होंने यही कोशिश की है कि इस तरह का मैसेज दिया जाए। और साथ ही आज दो और मैं बता दूँ आपको बड़ी अहम खबर कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी दोनों इस वक्त आम आदमी पार्टी में दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं। दोनों का नाम भी आज यहाँ पर कोर्ट में ईडी की तरफ से लिया गया है, तो उनके लिए भी यहाँ पर मुश्किलें अब यहाँ पर खड़ी हो गई है, क्योंकि ईडी आगे की पूछताछ में उन्हें भी शामिल कर सकती है, क्योंकि दिल्ली शराब नीति में जितने किरदार आते हैं उन सबको ईडी समन देकर पूछताछ में शामिल करती है। तो दोनों के नाम यहां पर आने से एक चौंकाने वाली बात यहां पर की गई है। लेकिन अब देखना यह होगा, क्योंकि कुछ देर बाद ही यहां से केजरीवाल को यहां से अरविंद केजरीवाल को यहां से बाहर जेल वन में यहां से मुश्किलें जो है अरविंद केजरीवाल की वो और ज्यादा हो रही है। अब देखना यही होगा कब तक उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि जानकारी ये मिल पा रही है कि 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना होगा। और देखिए, इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, हलचल देखी जा रही है, कुछ प्रोसेस है उसे पूरा करने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा जहां पर उनका मेडिकल होगा। 2, 3 या 5 ये जेल नंबर बताए जा रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल को रखा जा सकता है। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन।